तो दोस्तों आईसी के बिना ऐसा वाटर लेवल इंडिकेटर बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग देख सकते हो ऐसा वाटर लेवल इंडिकेटर कोई भी आईसी इसमें यूज नहीं किया गया है। आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में बहुत ही आसानी से ऐसा वाटर लेवल इंडिकेटर बना सकते हो, वो भी बिना किसी आईसी के। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ हमें यहाँ पर एक बैटरी का कनेक्शन, आप देख सकते हो बैटरी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, बस बैटरी का जो कनेक्शन है वो हमें देना है। तो किस तरह से हम देंगे चलिए देख लेते हो, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी आईसी के बिना ये वाटर लेवल चेकिंग जो सिस्टम है इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इजी है। इस वीडियो को देख के आप ऐसा बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हो। तो चलिए टाइम आ गया है इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों एज ए वाटर टैंक मैं इस पानी का ग्लास का यूज़ करूँगा। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो ये जो नेगेटिव वाला कनेक्शन है इस पानी में ऑटोमेटिकली चला जाएगा और पॉजिटिव पानी से कनेक्ट होगा। आप देख सकते हो मैं डालते ही इसका, तो ये जो रेड वाला एलईडी है इसका वाटेज कम है इसलिए ये जल रहा है लेकिन हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ग्रीन एलईडी आप देख सकते हो मैं डालते ही ये एक एक करके ऊपर जा रहा है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, आप घर में बहुत ही आसानी से ये बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर।